सो गाइस, पिछले एपिसोड में जो राइजिंग वॉल टेकर की जो सीक्रेट मेंबर थी ना, उसने रॉय को मतलब एक मैप दिया था जिसमें पार्लिया और रीजन में बता रहा था कि जो अपना रखवाजा है वो पार्लिया रीजन में गया। उसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो अपना रॉय होता है वो सोते सोते मतलब इस जगह पे आ जाता है और वो वहाँ पर जो मतलब एक रूम होता है ना गाइस, सामने एक रूम होता है वहाँ पर अपने प्रोफेसर फ्रीड और मार्क डॉक होते हैं जो मतलब वहाँ पर मतलब कुछ कर रहे होते हैं, पर अभी हमें पता चलने वाला है कि वो क्या कर रहे होते हैं। वहाँ पर मतलब एक सीक्रेट जगह होती है, वहाँ पर मतलब एक सीक्रेट सा मतलब कुछ कवर जैसा कुछ होता है। तभी जो अपने प्रोफेसर फ्रीड होते हैं उन्हें पता चल जाता था कि रॉय मतलब दरवाजे पीछे ही है, तो वो रॉय को कहते हैं कि जाओ मतलब जाके सो जाओ। और वहाँ पर मतलब अपने जो मार्डोक और प्रोफेसर फ्रीड होते हैं ना, वो मतलब वहाँ पर मतलब काफी सारे डोनर रखे होते हैं और वो मतलब वहाँ पर खा जाते सारे डोनर्स। सच में गाइस मतलब काफी मजेदार एपिसोड था हम वाला। और जो अपना कोएक्सिली होता है वो मतलब ये सब सुन लेता है और फिर उसके बाद हमें मतलब एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जो होता है द सीक्रेट ऑफ द अनओपनिंग डोर। तो गाइस ये एपिसोड का गाइस टाइटल है और काफी मतलब टाइटल से ही मतलब समझ में आ रहा है कि डोर के पीछे हम गाइस हमें आज पता चलने वाला कि कौन है। तो गाइस हमें ये डोर के बारे में ही पता चलने वाला। उसके सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तभी जो अपनी लीको होती है वो पूछती है कि मतलब रॉय जो अपनी डॉट है वो मतलब खाना खाने क्यों नहीं आती। और वो जो अपने प्रोफेसर फ्रीड होते हैं वो बताते हैं कि डॉट जो है ना उसे मतलब अकेले रहना पसंद है, उसे मतलब सबके साथ खाना पसंद नहीं है और वो मतलब अपने लिए एक अलग से ही मतलब कुछ खाना है, मतलब डिलीशियस प्रोटीन वगैरह कुछ खाती है, मतलब क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं पता कुछ डाइट वगैरह है। उसका जो लीको होती है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती है जहाँ पर उसकी अटेंडेंस लगती है और वो अपनी अटेंडेंस देने के बाद मतलब वहाँ पर आ जाती है, मतलब उसकी ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। रॉय भी जो होता है वो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता है, वो मतलब बाहर जाके अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तभी वहाँ पर अपने प्रोफेसर फ्रीड आ जाते हैं और वो मतलब ऐसे मतलब अपने रॉय से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो मतलब कहता है कि मुझे मतलब बाहर में ही मतलब पसंद आता है कि मतलब मुझे बाहर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना पसंद है, वो हमेशा ही मतलब पेड़ के ऊपर या फिर मतलब जमीन के नीचे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता है। तभी जो अपना रॉय होता है वो मतलब रिक्वाजा के बारे में पूछता है। जो प्रोफेसर फ्रीड होते हैं वो रॉय को बताते हैं कि वो मतलब जो रिक्वाजा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर मतलब उड़ता रहता है और वो मतलब बताता है कि वो एटमोसफेयर में होता है, मतलब वो बादलों के भी ऊपर वाला अपना रिक्वाजा उड़ता है। तो वो अपने रॉय को बताते हैं और रॉय मतलब ऊपर देखने लगता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। मतलब उसके जो अपनी एयरशिप होती है वो लैंड पे आ जाती है और वो सभी मतलब कुछ शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर लैंड किए होते हैं उन्होंने। उसके सभी लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं और जो भी मतलब हारेगा वो उसे मतलब शिप का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो अपना रॉय होता है वो लीको से कहता है कि मैं ही जीतूंगा और उसी की तरह जो अपना फिकुको होता है वो भी मतलब अपने स्पीड से कहता है, लेकिन गाइस अपना जो रॉय होता है वो ही हार जाता है और फिर हमें रॉय का चेहरा दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रोने वाला होता है। प्रोफेसर फ्रीड जो होते हैं वो अपने रॉय से कहते हैं कि तुम सभी पोकेमॉन का ध्यान रखना जब हम बाहर रहेंगे। उसका जो अपना रॉय होता है वो मतलब वो लीको से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे मतलब बाहर जाके रिक्वाजे के बारे में पूछना है और लीको जो होती है वो मतलब उसे मतलब दया खा के मतलब उसे छोड़ देती है, उसे जाने देती है। और जो अपना रॉय होता है वो मतलब टाउन के बाहर आ जाता है और मतलब उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो पहली बार किसी मतलब किसी टाउन में आया हुआ होता है। और अपना रॉय मतलब अपना जो फिकुको होता है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसे काफ़ी सारे बैरीज मतलब वहाँ पर दिख जाती है। और जो दूसरी तरफ अपनी जो लीको होती है वो मतलब सारा काम करती है, अपने सारे पोकेमॉन जो होते हैं ना उनको खाना खिलाती है और मतलब सारे कपड़े भी धो देती है, मतलब सारा काम इसी को करना पड़ता है बेचारी, अब क्या क्या करना पड़ेगा। और कहीं इस सीन में जो अपनी लीको होती है वो फर्श साफ कर रही होती है, तभी जो अपनी लीको होती है ना वो फर्श साफ करते करते अपने स्पीड हीटो में पानी फेंक देती है और स्पीड हीटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी लीको को मतलब याद आता है कि और अपने रॉय ने ना उसे बताया था कि मतलब जो अपने मार्डोक और फ्रीड है ना वो रात को छुपके मतलब कुछ कुकीज़ वगैरह कुछ खा रहे थे उस कपबोर्ड में। तो लीको जो होती है वो भी मतलब वहाँ पर जाके चेक करती है, क्योंकि वहाँ पर उसे डोनट तो नहीं मिलते पर वहाँ पर एक पोकिन होता है जो उसके ऊपर मतलब सारी आइसक्रीम गिरा देता है। तभी जो मार्डोक होता है वो उसका फ़ोन आ जाता है और जो लीको होती है वो उसे मतलब बार बार सॉरी मतलब बोलने लगती है, उसे लगता है कि उसे पता चल गया पर उसे नहीं पता चलता। वो मार्डोक जो होता है उसे मतलब लंच बॉक के लिए मतलब फोन करता है कि वहाँ पर मतलब लंच बॉक होगा और तुम उसे मतलब सबको जाकर दे देना और खुद खा लेना, ऐसा कुछ मतलब कहती है। तो जो अपनी लीक होती है वो मतलब डॉट के पास आ जाती है और उसे मतलब पूछने लगती है कि तुम लंच बॉक मतलब तुम लंच नहीं खाओगे क्या, तो वो मतलब ऐसे मतलब पूछने लगती है। तभी जो लीको होती है उससे एक आवाज़ आती है और वो जो लीको होती है ना वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ग्रूमी की मतलब फ़ैन हो। और जो गुरमी जो गई वही मतलब बंदा है जो मतलब वीडियोस बनाता रहता है, वो मतलब बंदा नहीं बनती है, तो वो उसकी बारे में पूछती है और वो मतलब पूछती है कि उसकी आज लाइव स्ट्रीम है तो तुम्हें मतलब उसे देखना चाहिए। तभी जो डॉट होती है वो काफ़ी यार परेशान हो जाती है उससे और वो मतलब उससे कहती है कि चुप हो जाओ, और वो मतलब डॉट जो होते हैं काफ़ी गुस्से में भी होती है, लेकिन जो डॉट होती है उसे मतलब अपनी तारीफ सुनकर अच्छा भी लगता है। लेकिन तभी जो अपनी डॉट होती है वो काफ़ी यार गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मतलब तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। और वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम मतलब ऐसे बोलती नहीं पर उसे लाइव स्ट्रीम करनी होती है क्योंकि वही होती है जो अपनी ग्रूमी होती है, पता नहीं क्या नाम होता है इसका मुझे नहीं पता पर मैं तो इसे पांडा बुलाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसे पांडे बुलाने वाला हूँ। तो जो अपनी जो डॉट होती है वो अपना कपड़े मतलब कॉस्ट्यूम जो होती है ना वो पहन लेती है और वो अपनी लाइफ मतलब शुरू कर देती है। उसके बाद फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो अपने रॉय और अपने मिस्टर फ्रीड होते हैं ना वो एक दुकान के पास आ जाते हैं और वो बंदा जो होता है ना वो मतलब एक कपड़ा सा मतलब बेच रहा होता है मतलब साफ करने के लिए और वो कहता है कि मतलब इससे तुम कुछ भी साफ करोगे तो वो एकदम चमकने लगेगी। तो तभी जो अपना रॉय होता है वो मतलब उसके बारे में रिक्वायर करने में पूछने लगता है उस बंदे से, पर वो मतलब कहता है कि तुम पहले ये खरीदो,
उसके बाद ही मैं तुम्हें रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा, पर इन्हें क्या पता है इनका कटने वाला है। पर वो बंदे के पास उसको उसको पता होता है कि ब्लैक रिकॉर्डर क्या है, उसे पता होता है। प्रोफेसर फीच जो होते हैं वो भी मतलब उसके बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो जो बंदा होता है ना वो एक्सप्लोरर्स के बारे में कुछ जानता है, इसलिए वो पूछने लगते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता है ना वो काफी ज्यादा चालाक होता है और वो कहता है कि मतलब पहले इसे खरीदो उसके बाद में बताऊंगा। सो गाइस उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी लीक होती है वो लाइव स्ट्रीम देख रही होती, तो तभी जो अपनी लीक होती है वो लाइव स्ट्रीम में मतलब एक कमेंट लिखती है कि जो अपने डॉट के बारे में वो कमेंट लिखती है कि जो एक लड़की है मतलब वो अपने रूम कभी भी मतलब उसमें बाहर नहीं निकलती है, उसके बारे में मतलब कमेंट लिखती है। और जो अपनी डॉट होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी मतलब उसका जवाब दे देती है। लेकिन तभी जो लीक होती है वो काफी जोर से मतलब चिल्लाती है और मतलब एकदम तूफान आ जाता है, क्योंकि वो मतलब एकदम शर्मा जाती है, क्योंकि मतलब उसका कमेंट मतलब पड़ा ज्यादा होता है, तभी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन वो उसे उसका आंसर मिल जाता है और वो कहती है कि फ्रेंड्स बनाना मतलब एक बैटल की तरह है, और वो मतलब समझ जाती है। और गाइस हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो अपना रॉय होता है वो मतलब उसे एक पोकेमॉन मिल जाता है जो एक स्पैरो होता है, और वो उससे पंगा लेने लगता है। और तभी जो अपना रॉय होता है वो स्पैरो से लड़ने लगता है, ताकि मतलब उसे पता चले कि मतलब वो स्ट्रॉन्ग बना है या नहीं। तो वो जो अपना रॉय होता है वो अपने स्पैरो पे एम्बर से यूज करता है, और जो अपना एम्बर होता है वो एकदम सीधा निशाने पे लगता है, और वो एक ही मूव में गाइस अपने स्पैरो को हरा देता है। सच में मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है, पर शुरू में गाइस उसे दिक्कत हुई थी, पर कोई बात नहीं। उसके जो अपना रॉय होता है वो मतलब शिप पे आ जाता है, और वो जो अपना रॉय होता है वो डॉट को मतलब थैंक यू बोलता है रिक्वायर के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तभी जो अपना रॉय होता है वो मतलब अपने लीको को बताता है कि मतलब उसने स्पैरो को हराया, और वो अपना रॉय जो होता है ना वो मतलब उस कपड़े से अपनी जो एंशिएंट बॉल होती है ना उसे साफ करने लगता है। तो जो अपना रॉय होता है वो एक एंशिएंट बॉल को साफ करने का अपने जो कपड़ा होता है ना वो मतलब लीको को दे देता है, और लीको भी उस मतलब पेंडेंट को साफ करने लगती है, और वो एकदम चमकने लगता है। लीको और रॉय थोड़ी देर तक मतलब अपने डॉट को मतलब परेशान करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो डॉट होती है वो मतलब आराम से लेट सकती है, और मतलब उसे शांति मिलती है, और वो स्माइल भी करते हैं। उसका जो अपना मार्डोक होता है मतलब वो अपने डॉट को मतलब एक मैसेज करता है कि उसे मतलब रेसिपी बुक मिल गई है। उसका जो डॉट होती है वो मतलब रात को मतलब जाती है, और वो वहाँ से मतलब जो अपनी कुकीज़ वगैरह होती है ना वो मतलब वहाँ से ले लेती है, मतलब जो डोनट वगैरह थे ना वो ले लेती है। और जो अपने कैप्टन पिकाचू और जो मार्डोक होते हैं ना उन्हें मतलब सॉरी अपने मिस्टर फ्रीड को भी मतलब पता चल जाता है जिससे कि डॉट ने मतलब वो सब खा लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सो गाइस उसके बाद हमें दिखाया हुआ ज्यादा जो डॉट होती है ना वो डोनट खा रही होती है। डॉट और डोनट गाइस सेम टू सेम ही लगता है, और ये सीन गाइस मतलब ऐसे ही मतलब ब्यूटीफुल था, मतलब इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और देखो गाइस इसमें मतलब अपने जो कैप्टन पिकाचू और अपने जो मिस्टर फ्रीड है ना वो सो रहे होते हैं, और काफ़ी क्यूट लगते हैं। उसके बाद मतलब सुबह आ जाती है, और वो मतलब पाली रीजन गाइस पहुँच जाते हैं। सच में गाइस ये पाली रीजन है, और अगले एपिसोड में गाइस हमें पता चलने वाला है कि पाली रीजन में मतलब क्या चलने वाला है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और काफ़ी बढ़िया एपिसोड था, मजा आ गई। सो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, मजे करना गाइस। बाय बाय, टाटा, सी यू।